नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में मैं आपको कूलपैड नोट 3 प्लस पर OTG सपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये है मेरा कूलपैड नोट 3 प्लस, जिसको कि मैंने 8,999 रुपये में खरीदा था। आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो इस फोन के बारे में, उसका लिंक यहाँ फ्लैश कर रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका OTG सपोर्ट। तो दोस्तों OTG डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, मतलब कि एक तरह से USB डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए होती है OTG केबल की। तो दोस्तों यह है OTG केबल, यहाँ पर आप माइक्रो USB एंड दिख जाएगा और यहाँ पर आपका एक फीमेल USB पोर्ट है। तो दोस्तों आइए चेक कर लेते हैं कि यह फ़ोन आपका OTG को सपोर्ट करता कि नहीं करता। हालांकि दोस्तों स्पेसिफिकेशन में साफ लिखा है कि यह OTG को सपोर्ट करेगा, फिलहाल एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो दोस्तों इस एंड पर मैं लगाने जा रहा हूँ एक फ्लैश ड्राइव, मतलब एक पेन ड्राइव। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फ्लैश ड्राइव यहाँ पर डिटेक्ट हो चुकी है और फिलहाल आप इस फ्लैश ड्राइव के कंटेंट देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसके कंटेंट देख सकते हो, ये है इसके कंटेंट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आपका कूलपैड नोट 3 प्लस आपका OTG को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आइए एक बार मैं इस फ्लैश ड्राइव को हटा के यहाँ पर एक माउस लगा देता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं क्या ये माउस को डिटेक्ट कर पाएगा। तो दोस्तों मैंने लेनोवो का माउस लगा दिया और दोस्तों देख सकते हो कि ये यहाँ पर माउस को भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि आपका ये कूलपैड नोट 3 प्लस यहाँ पर OTG को या OTG डिवाइसेस को या OTG USB डिवाइसेस को यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो दोस्तों फिलहाल ये तो होगी छोटी मोटी चीज़ें। तो फिलहाल अब मैं लगाने जा रहा हूँ दोस्तों इसके साथ सीगेट की हार्ड डिस्क। ये 2 TB की हार्ड डिस्क है और फिलहाल ये NTFS फॉर्मेटेड है। दोस्तों आप देख सकते हो कि फिलहाल ये माउंट कर रही है और पैरागन माउंटर, मतलब कि एक तरह से आपको प्लगइन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आपको पता है कि लाइनक्स कभी भी NTFS को सपोर्ट नहीं करती है और फिलहाल अगर आपको NTFS फॉर्मेटेड डिवाइसेस को यहाँ पर चलाना है तो आपको एक तरह से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो एंड्रॉयड के लिए आता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, वो पैरागन बनाती है। पैरागन जो यहाँ पर एक तरह से प्लगइन है इस NTFS के लिए, तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर में जाकर उस प्लगइन को डाउनलोड करना पड़ेगा और जैसे आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे तो फिलहाल आपको ये इस टाइप का एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को वर्क करने के लिए आपको एक तरह का सॉफ्टवेयर और चाहिए, जो कि है टोटल कमांडर फाइल एक्सप्लोरर। तो दोस्तों अगर आप दोनों इंस्टॉल कर लोगे तो दोस्तों आपका ये फ़ोन अब NTFS फॉर्मेटेड हार्ड डिस्क को रीड करने लायक बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सीगेट की हार्ड डिस्क है मेरी फिलहाल यहाँ पर डिटेक्ट तो हो जा रही है, पर फिलहाल ये पोर्ट इतनी पावर नहीं दे पा रहा है। फिलहाल एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये पोर्ट इतनी पावर नहीं दे पा रहा है कि आपका जो ये हार्ड डिस्क बूट हो पाए। तो दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोशिश तो कर रहा है इसको बूट करने की और फिलहाल करते करते एक एरर आ जा रही है। तो दोस्तों एरर इसलिए आ रही है कि इस OTG एंड के जरिए, मतलब इसके जो अंदर हार्डवेयर लगा हुआ है वो इतनी पावर डिलीवर नहीं कर पा रहा है कि इस को ये बूट कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पर इसी वजह से आप देख सकते हो कि बार बार कनेक्शन और डिसकनेक्शन हो रहा है। और एक बार आपको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस पावर मीटर के जरिए तो क्या हो रहा है एक्चुअली। तो पावर मीटर के जरिए आप देख सकते हो कि USB OTG एंड के जरिए पावर आ रही है 5 वोल्ट और जैसे मैं इस OTG डिवाइस को इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो फिलहाल आप देख सकते हो कि ये बार बार फ्लक्चुएट, मतलब बंद बुझ रहा बंद हो जा रहा बुझ रहा बंद हो जा रहा। तो इसका मतलब कि ये फ़ोन इतनी ज़्यादा पावर नहीं दे पा रहा है कि ये आपकी हार्ड डिस्क बूट हो जाए। तो दोस्तों इसको हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको एक तरह से वाई केबल की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों वाई केबल होती है कुछ इस टाइप की केबल आपकी, यहाँ पर तो ये तो हार्ड डिस्क को चला जाएगी। फिलहाल मेरे पास कोई माइक्रो USB वाली वाई केबल नहीं है, मिनी USB पोर्ट वाली वाई केबल है। तो दोस्तों ये चले जाएगी आपकी हार्ड डिस्क को, आप यहाँ पर आप कनेक्ट कर लीजिए आपकी OTG आउटपुट को और इसको एक तरह से पावर मीटर या 5 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप एक एक्स्ट्रा पावर दे रहे हो इस हार्ड डिस्क को बूट करने के लिए और फिलहाल जो लोड पड़ता है आपके फ़ोन के ऊपर वो कम पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप हार्ड डिस्क को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये फ़ोन इतनी आउटपुट वोल्टेज नहीं दे पा रहा है इस USB एंड के जरिए कि ये इस हार्ड डिस्क को बूट कर पाए। तो दोस्तों आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये इतनी आउटपुट पावर दे पा रहा है कि एक तरह से इस OTG हब को बूट कर ले। तो फिलहाल अगर इतना भी कर ले तो उतना भी काफ़ी है। मैं OTG हब को लगा रहे जा रहा हूँ इस पोर्ट पर और फिलहाल दूसरे एंड पर मैं यहाँ पर सबसे पहले कनेक्ट कर देता हूँ माउस को। तो दोस्तों देख सकते हो कि दोस्तों माउस कनेक्ट हो चुका है और वर्क कर रहा है। अब मैं फ्लैश ड्राइव को कनेक्ट करने जा रहा हूँ और दोस्तों देखते हैं कि फ्लैश ड्राइव यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है और आप इसके कंटेंट देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, फ्लैश ड्राइव कनेक्ट तो हो गई थी, फिलहाल ये डिसकनेक्ट भी हो गई। तो दोस्तों ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि इतनी पावर इससे नहीं आ रही कि ये इस OTG हब को बूट कर पाए। फिलहाल अगर आप 2-3 डिवाइसेस को यहाँ कनेक्ट कर लोगे तो फिलहाल आपका ये OTG हब है वो बूट ऑफ हो जाएगा, मतलब कि ये आउट ऑफ लोड हो जाएगा और इस वजह से आपका ये जो सिस्टम है पूरा बंद हो जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि माउस तो वर्क कर रहा है और फिलहाल ये आपकी फ्लैश ड्राइव यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है। तो मैं एक बार फिर से दूसरी पोर्ट पर लगा देता हूँ फ्लैश ड्राइव को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि नहीं ओपन हो पा रहा है, कारण यही है करके कि आपका ये
OTG एंड है, मतलब इसके अंदर जो हार्डवेयर लगा हुआ है इस OTG को सपोर्ट करने के लिए और पावर सप्लाई करने के लिए, वो इतनी पावर डिलीवर नहीं कर पा रहा है कि आपका ये OTG हब यहाँ पर बूट हो पाए। हालांकि अगर एक आध डिवाइसेस लगाओ तो उसको ले वो काम कर जाएगा फिलहाल, जैसे कि ये माउस का अडैप्टर जो कि बहुत कम पावर खींचता है। और फिलहाल अगर आप हाई एंड पावर वाली डिवाइस लगाओगे जैसे कि ये USB फ्लैश ड्राइव, तो ये करीबन इनिशियली चाहिए इसको करीबन 0.4 एम्पियर, मैं 400 मिली एम्पियर। तो फिलहाल 400 मिली एम्पियर अगर ये खा लेगा और कुछ OTG हब खाएगा तो फिलहाल यहाँ पर आप कह सकते हो कि इतनी पावर इसके पास नहीं है करके कि ये आपका साइमल्टेनियसली इन सब डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर पाए। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कनेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि एक तरह से दो माउस तो कनेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। एक माउस तो मैं कनेक्ट कर चुका हूँ और फिलहाल दूसरा माउस भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये माउस वर्क कर रहा है और दोस्तों ये वाला माउस भी मेरा वर्क कर रहा है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि हब तो काम कर रहा है, पर फिलहाल आप इस हब के जरिए इतना बड़ा आउटपुट नहीं लगा सकते कि इस हब को शट डाउन कर दे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फाइनली कह सकता हूँ कि आपका कूलपैड नोट 3 प्लस OTG को सपोर्ट करता है। फिलहाल ये OTG एंड के जरिए इतनी पावर डिलीवर नहीं करता कि आपके एक रेगुलर हार्ड डिस्क हो 2.5 इंच वाली और आपका जो एक रेगुलर OTG हब हो उसको बूट कर पाए। अगर फिलहाल बूट हो जाता है OTG हब, फिलहाल आप इस OTG हब के जरिए कोई अगर हैवी एंड हाई पावर वाली डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हो तो फिलहाल ये हो जाता है बंद, तो फिलहाल ये काम नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अब इसी कंक्लूजन के साथ कि आपका कूलपैड नोट 3 प्लस OTG को सपोर्ट करता है, मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें। और साथ ही में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या पसंद नहीं आए जिस वजह से आप इस वीडियो को डिसलाइक करें, ताकि हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में इसका ध्यान रखें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी जान पाए कि कूलपैड नोट 3 प्लस आपका OTG को सपोर्ट करता है। हालांकि OTG एंड के जरिए इतनी पावर डिलीवर नहीं करता कि ये आपके रेगुलर हार्ड डिस्क को बूट कर पाए। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मेरी आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।